अपनी पुत्री के हाथों उसके होने वाले वर की हत्या करवा दी उन्होंने। फिर मुझे अपने स्वार्थ के लिए भोग की एक वस्तु बना दिया, जिससे मैं ऋषियों मुनियों को पथ भ्रष्ट करती रहूं और इनका साम्राज्य स्थापित रहे। कैसी माँ ऐसा कर सकती है? वाह, ये है मेरा दुर्भाग्य कि जिन पुत्रों को मैंने जन्म दिया, जिनका साम्राज्य स्थापित किया, जिन्हें सिंहासन दिलाया, आज वो ही अपनी माँ को दोषी मान रहे हैं, अपनी माँ पर संदेह कर रहे हैं। आज मुखी, कैसी पुत्री हो तुम, अपनी माँ को ही दोषी प्रमाणित कर रही हो। हाँ, युद्धासुर की परीक्षा ली थी मैंने, जिसमें वो असफल हुआ। जो अपने परिवार को संकट से नहीं बचा सका, वो भला मेरी पुत्री का ध्यान कैसे रखता? तो सभी बताओ, क्या बुरा किया अपनी पुत्री का विवाह रोक कर? और सेमुख, तुम अपनी बहन के लिए तुम्हारे नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, किंतु अपनी माँ की पीड़ा, उसके कष्ट का अनुमान तक नहीं है तुम्हें। अपने नेत्रों के सामने अपने पिता की निर्मम हत्या होते हुए देखी है मैंने, तभी निर्णय ले लिया था कि अपने पुत्रों को इतना बलशाली बनाऊंगी कि कोई भी शत्रु उनके निकट आने से पहले सहस्त्रों बार विचार करेगा। राजभवन का सुख त्यागा, कठोर परिश्रम कर गुरु शुक्राचार्य से माया की शिक्षा प्राप्त की, किसी राजा की पत्नी ना बनकर एक वृद्ध ऋषि को अपना पति बनाया। किसके लिए? तुम सबके लिए, ताकि उसके तपोबल से तुम जैसी संतानें प्राप्त हो, जो अत्यंत बलशाली हो, जिन्हें किसी के भी सामने झुकने पर कभी विवश न होना पड़े। आज भी सभी सुख सुविधाओं को त्याग कर सदैव माया की साधना करती हूं मैं। किसके लिए? तुम सबके लिए। इतना सब करने के बाद भी भरी सभा में मेरे पुत्रों द्वारा उंगली उठाने से पहले मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? किंतु अब मैं यही आत्मघात करूंगी। नहीं मां, मृत्यु आपकी नहीं, इस अजामुखी की होनी चाहिए, जिसने आपके लिए हमारे मन में संदेह उत्पन्न किया। उचित है पुत्र, यदि तुम्हें लगता है कि मैं सही हूं और ये दोषी, तो अंत कर दो इसका, जिससे ये कभी भी इस मां और उसके पुत्रों के बीच फूट न डाल सके। आपकी ये इच्छा मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। रुको पुत्र, क्षमा कर दो इसे, है तो ये मेरी ही पुत्री ना, वैसे भी इसका अंत करके क्या मिलेगा हमें? सर्वप्रथम हमें अंत तो अपने शत्रु का करना है, जिसकी ये भक्त है। अब किसी के रोके नहीं रुकेगा सुरापद्मन। अब तुम्हारे बचाव का कोई मार्ग नहीं, तुम्हारा अंत अवश्य होगा। ओ
माँ। ज्येष्ठ से दूर रहकर ही अपना बचाव कर सकूंगी मैं। कितना भी भाग लो तुम, जाने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मेरा पुत्र होकर भी अपने हृदय को कठोर नहीं बना पाया, इसीलिए लक्ष्य से चूक गया। आप सभी के विघ्न दूर करते हैं तो मेरा भी दूर करने की कृपा कीजिए। मृत्यु का भय नहीं, किंतु अपने प्राण त्यागने से पहले बस एक बार मुझे अपने प्रभु के दर्शन करने दीजिए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे अपने प्रभु के दर्शन करने दीजिए। अजामुखी, साधारण पत्र ने मेरे बाण को प्रभावित कर दिया, ये कैसे संभव है? प्रणाम विघ्नहर्ता गणेश जी। कल्याण हो।
आइए अजामुखी, उठिए। और बाण विफल हुए तो क्या, मेरा ये मायावी बाण अवश्य सफल होगा। कहां गई वो दुष्ट अजामुखी? सुरक्षित शत्रु शिविर में पहुंच ही गई। हम आपके सभी निर्देशों का पालन करेंगे प्रभु, किंतु हमें अभी भी यह ज्ञात नहीं है कि वो किसे भेजेगा। भानुकोपन, 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 भानुकोपन। प्रणाम प्रभु। इस भक्त की पुकार सुन, एक ही समय पर यहाँ भी रहकर और मेरे सहायक भी बनकर आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आप ही के कारण मुझे अपने प्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रभु, जन्म से तो मैं असुर सम्राट सुरापद्मन की बहन हूँ, किंतु उससे भी अधिक मैं आपकी परम भक्त हूँ अजामुखी। एक ऐसी भक्त जिसने अपनों की ताड़ना सहकर भी भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, तुमने तो मेरे भक्त जयंत का भी भली भांति ध्यान रखा। आइए अजामुखी, भीतर आइए। कृपा के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मैं धन्य हो गई प्रभु। देवी, मेरी एक जिज्ञासा शांत कीजिए। आपने कहा था वो असुर युद्ध के लिए भानुकोपन को भेजने जा रहे हैं, कौन है वो? मेरे ज्येष्ठ असुर सम्राट सुरापद्मन का सबसे बड़ा पुत्र। किंतु वो तो महादेव प्रभु की तपस्या कर रहा है। मैंने अपने सभी पुत्रों को यहाँ बुलाने के लिए कहा था, तो फिर भानुकोपन कहाँ है? यहाँ क्यों नहीं है? राजमाता सुरासई के आदेश से महत्वपूर्ण नहीं है किसी की भी पूजा। वो पूजा छोड़कर माँ की आज्ञा पालन का चुनाव करेगा। किंतु भानुकोपन ही क्यों? वो उसे ही क्यों भेजेंगे? क्योंकि जयंत का हरण कर उसी ने अपने शक्ति और सामर्थ्य को प्रमाणित किया था। किंतु वो तो मात्र एक हाथ था जिसने हमें पराजित किया था। हाँ देवराज, क्योंकि वो जितना चाहे अपना हाथ उतना ही बढ़ा सकता है, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो आपको भानुकोपन के जन्म के पश्चात ही मिल गया था। उस समय महेंद्रपुरी में कोई नहीं था, भाभी पूजा कर रही थी और मेरे भ्राता त्रिलोक विजय करने गए थे। भानुकोपन अकेला शिशु निद्रा में था और सूर्य की तपती किरणें
उसकी निद्रा भंग कर रही थी। तब उसने अपना हाथ बढ़ाया और सूर्य की किरणों को ही नहीं रोका, स्वयं सूर्य देव को ही रोक दिया। से सूर्यदेव की रक्षा करने के लिए देवराज इंद्र के साथ स्वयं ब्रह्मदेव को आना पड़ा। मुझे स्मरण है, वो एक बहुत ही हठी बालक था। उसने सूर्यदेव को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया था और वो उन्हें मुक्त ही नहीं करना चाहता था। वो एक असुर था, इसलिए असुरी प्रवृत्ति उसका स्वभाव था। इसलिए हमने उसके साथ छल किया, उसे एक लालच दिया हमने। तुम मेरा वायु चक्र ले लो बालक, किंतु सूर्यदेव को मुक्त कर दो। मैं तुम्हें अपना शक्तिशाली जल प्रवाह दूंगा, देखो। हे बालक, आप मेरा अग्नियास्त्र ले लो, देखो। मान जाओ पुत्र, हम आपको अपना वज्र रूपी अस्त्र प्रदान करेंगे, ये देखो। बालक, मैं ब्रह्मा तुम्हें अपना ब्रह्मास्त्र देता हूं। ये लो और सूर्यदेव को मुक्त करो। ब्रह्मदेव कदाचित वो ये चाहता है कि आप पहले उसे ब्रह्मास्त्र प्रदान करें, फिर वो सूर्यदेव को मुक्त करेगा। जब वो एक मात्र शिशु था, बोल तक नहीं सकता था, तब भी उसने अपनी अपार शक्ति और बुद्धि का परिचय दिया था। उस घटना के बाद माता सुरासई ने उसके जले हुए हाथ और ब्रह्मास्त्र को देखकर उसका नाम भानुकोपन रख दिया था, अर्थात वो जिसने सूर्यदेव को ही अपना बंदी बना लिया था। और तब से ही भानुकोपन ही माँ को सर्वाधिक प्रिय है, वो अवश्य उसे ही युद्ध के लिए भेजेंगी। तो आप यहां पे हैं मां, और शत्रु हमारे द्वार पर। युद्ध के इस समय महेंद्रपुरी के बाहर आप इस जलाशय के पास क्या कर रही हैं? मैं कब कहां और क्यों होती हूं ये या तो मैं जानती हूँ या मेरी माया। तुम बताओ पुत्र, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? कुछ तो विशेष ही होगा। विशेष ही है, आपसे अनुमति चाहिए कि कल भानुकोपन के स्थान पे हमारी सेना का नेतृत्व मैं करूँ या सिंहमुख।
हमारे होते हुए हम किसी कनिष्क को क्यों भेजें? और मां, इससे युद्ध का अंत भी शीघ्र होगा। आपका ये बलशाली पुत्र एक ही प्रहर में उस कार्तिकेय को और उसकी सेना का अंत कर देगा। अंत होगा, अवश्य होगा, किंतु तुम्हारे और भानुकोपन के जाए बिना। पर कैसे मां? सुरा पद्मन, बड़े दुख की बात है कि तुम ना अपनी माँ को समझ पाए और ना ही उसकी माया को। अजामुखी ने अब तक देवताओं को बता दिया होगा कि मैं सर्वप्रथम भानुकोपन को भेजने वाली हूँ, और उन्होंने उसका सामना करने की तैयारी भी कर ली होगी। अतः अब मुझे अपनी योजना बदलनी होगी। किंतु अब और प्रश्न नहीं, मैं जो कह रही हूँ उसका पालन करो। इस जलाशय में प्रवेश करो। गजासुर द्वितीय, गजासुर द्वितीय। ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका विनाश हूं मैं। मां, कौन है ये गजासुर द्वितीय? महान असुर गजासुर का पुत्र, जिसके भीतर धरती का रक्त सोख लेने की शक्ति है। धरती का रक्त? हाँ, धरती का रक्त यानी जल, जो जीवन है, जिसके बिना धरती शून्य है। जहां जहां गजासुर द्वितीय के पग पड़ते हैं, वो स्थान जल से रिक्त हो जाता है, अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है, पेड़ पौधे जीव जंतु कोई भी नहीं बच पाता। सहस्त्र गजों का बल जिसमें समाया हो, जिसकी आने मात्र से सब सूख जाता है। ऐसे असुर गजासुर द्वितीय को बुलाने का दुस्साहस क्यों किया आपने? क्या आप अकाल का आनंद लेना चाहते हैं? आनंद तो लेना है मुझे, युद्ध में विजय का आनंद, और इसका कारण तुम बनोगे गजासुर द्वितीय। जिस शत्रु ने महेंद्रपुरी के बाहर अपना डेरा डाला है, अपने अकाल से उस शत्रु का काल बनकर। किंतु मैं भला ऐसा क्यों करूं? कठोर तपस्या से अर्जित शक्तियों को मैं आपके लिए क्यों व्यर्थ करूंगा? तुमने सत्य कहा कि तुम मेरे लिए अपनी शक्तियाँ क्यों व्यर्थ करोगे, और करनी भी नहीं चाहिए। मुझसे तो तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं, किंतु अपने पिता के संबंधी तो हो ना। महान असुर गजासुर के पुत्र तो हो ना। ये जलाशय तो सूखने लगा है, इस गजासुर द्वितीय को शीघ्र मनाना होगा, अन्यथा मेरा दाव हम पर ही उल्टा पड़ जाएगा। क्या तुम अपने पिता के शत्रु से प्रतिशोध लेने का अवसर मिलने पर भी अपनी शक्तियां बचा कर रखोगे? मेरे पिता के शत्रु, उनका प्रतिशोध? क्या 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 आपका अर्थ ये है कि जिन्होंने तुम्हारे पिता का अनर्थ किया, ये बालक कार्तिकेय, देव सेनापति कार्तिकेय, शिव और पार्वती का पुत्र है, वही शिव जो तुम्हारे पिता के अंत का कारण बने थे। Thank you.
जो अपने पिता के वधिकों से प्रतिशोध लेने में संकोच कर रहा है। महेंद्रपुरी के बाहर खड़ी ये देवताओं की सेना आई तो है यहाँ युद्ध करने, किंतु मैं तुम्हें इनका संहार करने का अवसर देकर अपने असुरी धर्म का पालन कर रही। स्मरण रहे, मेरा ये अपकार कभी मत भूलना। कदाचित ना ही तुम्हें अपने पिता की मृत्यु का कोई शोक है और ना ही तुम इस प्रतिशोध के सुनहरे अवसर को चाहते हो, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। मेरी महेंद्रपुरी में अपना अकाल फैलाने से पहले जाओ यहाँ से। देवताओं के लिए तो मेरे पुत्र ही पर्याप्त हैं। पिता का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा, पिता दूंगा उस शिव पुत्र की सेना को। अपने अकाल से कंकाल बना दूंगा उसकी सेना को। रुको, उसे मत रोकिए मां, अन्यथा शत्रु के शिविर में अकाल बाद में आएगा, पहले हम ही उससे त्रस्त हो जाएंगे। जाओ, किंतु ये सुनिश्चित करना होगा तुम्हें कि तुम्हारे अकाल का प्रभाव मेरी महेंद्रपुरी पर ना पड़े। बस वहीं तक रहे जहां तक कार्तिकेय की सेना है, और ऐसा करने में असुर गुरु शुक्राचार्य तुम्हारी सहायता करेंगे, जो ऋषि पुलस्त्य के आश्रम के निकट तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ। मुझे आभास हो रहा है कि कोई बड़ा कपट जाल रच रही है माया सुरासई, ऐसा जाल जो युद्ध के आरंभ होने के पहले ही उसे विजयी कर दे। कोई बड़ा छल, बड़ा षड्यंत्र कर रही है वो। असुर गुरु शुक्राचार्य जी को गजासुर द्वितीय का प्रणाम। गुरुवर आपके मार्गदर्शन के लिए आया हूँ। आओ निकट आओ गजासुर द्वित, चिंता मत करो, तुम्हारी शक्ति मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, और जो शक्ति मैं तुम्हें दूंगा उससे कोई तुम्हें कभी हानि नहीं पहुंचा सकेगा। ये असुर सुरक्षा महाअस्त्र है, वो अस्त्र जिसे भूमि में गाड़कर जहां तुम खड़े हो गए वहीं से तुम्हारी शक्ति अनेक गुना बढ़कर चारों दिशाओं में फैलने लगेगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे ऋषि पुलस्त के आश्रम के निकट ये कैसी घटना घट रही है? ये कैसा अस्त्र है? असुर गुरु शुक्राचार्य के हाथों में? क्या कह रहे हैं वो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इस महाअस्त्र की सहायता से तुम्हारे तप का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा।
जब तक तुम इसके निकट रहोगे तुम्हारी अकाल शक्तियां तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे। इतना ही नहीं, स्वयं वरुण देव अर्थात जल के देवता भी तुम्हारे आगे विवश हो जाएंगे। विजयी भव। ये असुर सुरक्षा महाअस्त्र है, वो अस्त्र जिसे भूमि में गाड़कर जहां तुम खड़े होगे वहीं से तुम्हारी शक्तियां अनेक गुना बढ़कर चारों दिशाओं में फैलने लगेगी। जब तक तुम इसके निकट रहोगे तुम्हारी अकाल शक्तियां तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगी। इतना ही नहीं, स्वयं वरुण देव अर्थात जल के देवता भी तुम्हारे आगे विवश हो जाएंगे। तुम्हारा फैलाया अकाल मिटाने में असमर्थ हो जाएंगे। वो तो क्या, स्वयं त्रिदेव भी आ जाए, स्वयं देवी दुर्गा भी प्रकट हो जाए तो भी तुम्हें रोकना असंभव होगा। असंभव होगा, असंभव। मुझे आभास हो रहा है कि कोई बड़ा कपट जाल रच रही है माया सुरा से, परंतु मैं ज्ञात नहीं कर पा रहा हूँ कि ये क्या है। किंतु प्रभु अभी तो भोजन का समय है, आज समय है प्रभु, आप भी मन भर कर खाइए और मुझे भी पानी दीजिए, फिर कल युद्ध आरम्भ होने के बाद कहाँ अवसर मिलेगा। उचित है, किंतु मैं केवल मोदक खाऊंगा। नहीं, आपके लिए मोदक ही लाया हूँ प्रभु, अन्य व्यंजन मैं खा लूंगा। मूषक जी, आप तो अधिक मात्रा में भोजन लेकर आ गए। भोजन लालच नहीं, आवश्यकता के अनुसार करना चाहिए। विशेष रूप से तला भोजन तो बहुत सावधानी से करना चाहिए, नहीं तो अपच हो जाता है और प्यास भी बहुत लगती है। प्रभु आज मत रोकिए, क्योंकि जितना भोजन करूँगा युद्ध के लिए उतनी ही ऊर्जा मिलेगी मुझे। महास्त्र देकर आपने मुझे धन्य कर दिया गुरुवर, कैसे मैं आपका धन्यवाद करूं। अब देखिए आपका ये शिष्य गजासुर द्वितीय कैसे देवताओं को त्राहिमाम करने पर विवश करता है। बस इतना स्मरण रखना वत्स, इस महाअस्त्र की ये विशेषता है, इसको क्रियान्वित करने के बाद इसे तभी रोका जा सकता है जब कोई इसे नष्ट कर दे। विजयी भव। अब कोई नहीं रोक सकेगा मुझे अपने पिता का प्रतिशोध लेने से। ये कैसी भयंकर गर्जना है इसकी, कहीं ये इस अस्त्र के प्रयोग की तैयारी तो नहीं कर रहा। Thank you.
कितना बढ़ गई है मेरी ऊर्जा। सावधान देवताओं, अब मैं सर्वनाश करूंगा तुम्हारा। हे माता, ये क्या? ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका विनाश हूं मैं। तो मेरी शंका उचित थी, किसी भयानक मायावी शक्ति का प्रयोग कर ये दुष्ट संपूर्ण सृष्टि के सर्वनाश पर तुला है। करने से प्यास बढ़ जाती है। प्यास का तो सरल उपाय है जल। अभी समाप्त होना था इस जल को। मेरी प्यास बढ़ती जा रही है प्रभु, मैं जल लेकर अभी आया। ये सब पात्र तो जल से रिक्त है। जल की एक बूंद भी नहीं है यहाँ, किंतु जलाशय में अवश्य जल मिलेगा, वहीं चलता हूँ। ये जलाशय कैसे सूख गया? कहाँ गया इसका जल? से मुख सूखा जा रहा है और कहीं जल नहीं मिला। मैंने तो पहले ही कहा था मूषक जी, लालच बुरी बला है, और तले भोजन का लालच तो करेला, वो भी नीम चढ़ा है। मुझसे भूल हो गई प्रभु, क्षमा करें, दया करें, अपने सेवक पर अपनी लीला को रोक दीजिए प्रभु, क्योंकि जल के बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकता। मूषक जी, मेरी लीला नहीं, किसी की माया है ये। मूषक जी ही नहीं, संपूर्ण देव सेना प्यासी है, और जल कहीं नहीं। प्रभु, हो ना हो, ये वही अनिष्ट है जिसका आपको आभास हुआ था। इस अनिष्ट का कारण हमें ही ज्ञात करना होगा मूषक जी, आइए। राता, जल जैसे पृथ्वी से अदृश्य ही हो गया है, कहाँ जाऊं, जल कहाँ से लाऊं? ये तो अत्यंत भीषण और विकट स्थिति है। महेंद्रपुरी में उन असुरों को जल की कोई कमी नहीं। हाँ, प्रभु,
हमारे शत्रु तो जल से घृणा कर रहे हैं और उसे अकारण व्यर्थ कर रहे हैं, और यहाँ जल का ऐसा अभाव है कि हमारे सैनिक प्यास से व्यथित हैं। आपः प्रणीत भेषजम् वरुधम तन्वे मम ज्योतिचा सूर्यम् दृशे। अर्थात हे जल समूह, जीवन रक्षक औषधियों को हमारे शरीर में स्थित करें, जिससे हम निरोग होकर चिरकाल तक सूर्य देव का दर्शन करते रहें। हमारे देवताओं और सैनिकों की रक्षा हो। पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, अन्न, वायु और जल। जो इसका संचय नहीं करेंगे उन्हें तो इसका परिणाम भुगतना ही होगा। किंतु ये स्पष्ट है, उन असुरों के पास जल का कोई अभाव नहीं है। अवश्य इसके पीछे माया सुरासई की ही चाल है। आइए हम शीघ्र जाकर भ्राता को सूचित करें। अनुज गणेश, ये किस प्रकार का संकट है? समस्त संसार में जल सूख गया है, जल कहीं भी नहीं। यहाँ तक कि मैं अपने जल तत्व से भी जल प्रकट नहीं कर पा रहा हूँ, और तो और वरुण देव तक जल प्रकट करने में असमर्थ रहे। वरुण देव, अब आप ही बताइए प्रथम पूज्य, आप ही बताइए मैं क्या करूं। माया सुरसई, मैंने अपने महास्त्र से गजासुर द्वितीय के तप के प्रभाव को इतना बढ़ा दिया है कि देवता कितना भी प्रयास कर ले, गजासुर द्वितीय का अकाल नहीं रोक सकेंगे। अब तुम्हारी विजय निश्चित है माया सुरसई। असुर गुरु, मैं आपकी आभारी रहूंगी। युद्ध के पहले ही हमारी सेना को धराशायी करने की ये माया सुरासई की चाल है। अकाल के कारण को ढूंढकर शीघ्र ही उसे नष्ट करना होगा, अन्यथा अनुज ये युद्ध आरंभ होने से पूर्व ही हम पराजित हो जाएंगे। एक उपाय है भ्राता, हर आपदा का कोई केंद्र होता है, जहाँ से उसका आरंभ होता है और जहाँ उसका सर्वाधिक प्रभाव होता है। यदि हम उस केंद्र को ढूंढ सकें, तो इस संकट का कारण और समाधान दोनों हमें एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। किंतु हम वो केंद्र ढूंढेंगे कैसे? जिस प्रकार सागर की गहराई सागर में उतरकर ही ज्ञात की जा सकती है, उसी प्रकार किसी भी समस्या या आपदा की शक्ति उसके केंद्र के निकट जाकर ही ज्ञात होगी, और इस अकाल के केंद्र की ओर ले जाएगी हमारी प्यास। जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, हमें ज्ञात होगा कि हम उस केंद्र के निकट पहुँच रहे हैं। किंतु हम दोनों को तो प्यास लगती ही नहीं। इसका समाधान तो अत्यंत सरल है प्रभु। ऐसे किसी को अपने साथ ले जाइए जो प्यास से पहले ही त्रस्त हो, जैसे मैं। ओहो, ये क्या किया मैंने? अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी पर ही अपना पांव दे मारा। प्रभु मुझे छोड़ दीजिए, प्यास के कारण बहुत दुर्बलता का आभास हो रहा है मुझे। प्रभु, प्रभु, प्रभु। इसलिए तो आप मेरे वाहन नहीं, अपितु मैं आपका वाहन बना हुआ हूँ मूषक जी। आप तो बस मुझे इतना बताते रहिए कि आगे बढ़ने पर आपकी प्यास बढ़ रही है या नहीं, तभी पता चलेगा हम सही दिशा में जा रहे हैं। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा प्रभु। मूषक जी ध्यान से सोचिए और उत्तर दीजिए। उचित है प्रभु, मेरी प्यास तो वैसी ही है जैसे आरंभ में थी। अच्छा, अर्थात हम अकाल के केंद्र में नहीं, कहीं और ही जा रहे हैं। हमें दिशा बदलनी होगी। अति उत्तम, प्यास बढ़ना तो अच्छा संकेत है मूषक जी। आप अपनी ऊर्जा बचाइए मूषक जी, अधिक बोलेंगे तो और प्यास बढ़ेगी। हाँ प्रभु, ये उचित दिशा है, मेरी प्यास कम हो रही है। हाँ।
अर्थात ये अनुचित दिशा है। हमें उस ओर जाना चाहिए जहां आपको सर्वाधिक प्यास लगे, क्योंकि वहीं इस समस्या का केंद्र होगा और वहीं जाकर हमें इसका समाधान भी प्राप्त होगा। ये कैसा महासंकट छा गया हम सब पर? ये सूखा, ये अकाल, ये संपूर्ण सृष्टि का सर्वनाश कर देगा। सृष्टि को इस महासंकट से अब वही बचा सकती है, सृष्टि की माता, सृष्टि की देवी, जो स्वयं प्रकृति है, जगत जननी है, माता पार्वती। हे माता, जब जब सृष्टि पर विकट संकट छाया है, आपने सदा अपने संतानों की, सभी जीवों की रक्षा के लिए संहारक रूप धारण किया है। हे माता, आज फिर इस दुष्ट के प्रकोप से पृथ्वी पर आपके संतानों पर अग्नि बरस रही है। अब आप भी अग्नि बरसाओ माता, अपने उग्र रूप में उस दुष्ट पापी पर, उसे नष्ट करके हमें इस कष्ट से मुक्ति दो माता, मुक्ति दो। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। कोई वहां माता से सहायता की गुहार लगा रहा है, कदाचित उसे कुछ ज्ञात हो। माता ने यदि गुहार सुन ली तो मेरे प्राण बच जाएंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। किसकी पुकार है? मेरा कौन भक्त मुझे पुकार रहा है? किस संकट में है वो? वो नहीं, संपूर्ण सृष्टि संकट में, मेरी सभी संतानें कष्ट में हैं, कि तू कौन है इसका कारण? मेरी प्राथमिकता से पराजित करना नहीं, अपितु सृष्टि में हो रहे और अधिक विनाश को रोकना है। इसके लिए सर्वप्रथम इसे सृष्टि से दूर अन्य सृष्टि में ले जाना होगा। ये क्या? देवी के प्रहार ने मेरा आकार छोटा कर दिया? अभी तो केवल तुम्हारा आकार ही लघु किया है, अब तुम्हें संसार से भी लुप्त कर दूंगी। Thank you.
छोटे से घुंघरू में। मेरा आकार घटाने से, मुझे यहाँ भेजने से कुछ नहीं होगा देवी। सृष्टि का संकट नहीं टलने वाला। इस अकाल के आतंक का अंत इस आतंकी के अंत से ही जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारे और अपने अस्त्रों के प्रहार से सृष्टि को बचा लिया है, क्योंकि अब ये युद्ध मेरे कर्ण आभूषण के घुंघरू के भीतर ही होगा। किंतु मेरे फैलाए अकाल से संसार कैसे सुरक्षित होगा? न ही मेरा अंत संभव है, न ही इस अकाल का अंत तो अब तुम्हारी सृष्टि का होगा। कदाचित यही केंद्र है इस अकाल का, क्योंकि यहाँ की भूमि पूर्ण रूप से सूखी पड़ी है और मूषक जी आपको सर्वाधिक प्यास भी यही लगी और उस असुर की चित्कार भी यहीं से आ रही है, किंतु माता कहीं क्यों नहीं दिखाई दे रही है? अब तो माँ आ गई है तो अब हमारे भला क्या आवश्यकता, वो इस अकाल को अवश्य रोक देगी। चलिए हम लोग लौट चलते हैं। नहीं मूषक जी, संकट का अंत हुए बिना लौटना उचित नहीं, और आपकी प्यास तो तभी बुझेगी जब अकाल का अंत होगा। तो अब हमें माता को ढूंढना चाहिए और उसे भी जिसने इस अकाल की स्थिति को उत्पन्न किया है। अस्त्रों के टकराने की ध्वनि तो आ रही है, किंतु कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? ऋषि पुलस्त्य, ऋषिवर गिरकर आहत हो जाएंगे, सर्वप्रथम मुझे उनकी रक्षा करनी चाहिए। कौन है ये जिन्होंने मेरी रक्षा की? गणेश जी, गजानन, प्रणाम गजानन। मेरी रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। ऋषिवर, आपकी रक्षा मैंने नहीं, आपके तप के फल ने की है। विकट परिस्थितियों में मनुष्य के सुकर्म ही उसकी ढाल बनते हैं, फिर वो कोई महामारी हो, अकाल हो या ऐसी कोई आपदा। किंतु मैं अभी भी ज्ञात नहीं कर सका हूँ कि संकट के पीछे कौन कुकर्मी है और माता कहाँ है। हे पार्वती नंदन, हे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी, इस महासंकट का कारण वो महासुर गजासुर द्वितीय है और माता वहां उस असुर के साथ युद्ध कर रही है। आ!
ये युद्ध माता के कर्ण आभूषण के टूटे घुंघरू के भीतर हो रहा है। असुरों का अंत करता है मूर्ख। न खड़क न कोई अन्य अस्त्र मेरा अंत कदापि नहीं होगा, किंतु मैं तुम्हें अवश्य आहत करूंगा देवी। असुर गजासुर द्वितीय की शक्ति निरंतर बढ़ती जा रही है और माता के प्रहार व्यर्थ जा रहे हैं। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आप भी किसी युक्ति से माता की सहायता क्यों नहीं करते? क्योंकि जब तक माता स्वयं मुझे इस युद्ध में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देती, ऐसा करना उनका अपमान होगा और तब माँ के कोप के प्रकोप का भागी मैं भी बन सकता हूँ। Thank you.
भी मायावी शक्ति क्यों ना, किंतु मेरे हाथों से तुम्हारा अंत होने से नहीं रोक सकती। तुम्हारा अंत करूंगी तभी रुकूंगी मैं। संहार मेरा नहीं, सृष्टि का होगा, मेरे अकाल से। देवताओं के पास जल तक नहीं है और असुर नगरी में मरीना की नदियां बह रही हैं। प्रकृति के साथ इस प्रकार की क्रीड़ा करने का तो साहस जिस किसी ने भी किया है, माता के क्रोध को जिसने भी जागृत किया है, उसे इसका दंड मिलने का समय अब आ गया है। वज्रासुर द्वितीय पराजय स्वीकार नहीं करेगा, देवी निरंतर वार करेगा। प्रकार तो ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा। इसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए, माँ की सहायता करने के लिए मुझे इसका भाग बनने का कोई उपाय ढूंढना ही होगा। देवी, लगता है तुमने ठान ही लिया है कि धरती का अंत करके ही थमोगी। उचित है, तो मैंने भी ठान लिया है कि मैं भी तुम्हारी सृष्टि का अंत करके ही रुकूंगा। क्या करूं मैं जिससे माँ मुझे अवसर दे, अपना सहायक बना ले। युद्ध के निर्णय का समय आ गया है, अब और नहीं। अचानक कहाँ दृश्य हो गया ये? Thank you.
माँ चंडी, जय जय माँ, जय माँ, जय माँ चंडी, जय माँ। आनंद लो इस मदिरा का, इस उत्सव का, क्योंकि ये युद्ध तो आरंभ होने से पहले ही अंत हो गया। विजय हुई हमारी। असुर सम्राट भगवान सुरपति मेरी मदिरा कैसे समाप्त हो गई? यहां सब कुछ सूखने क्यों लगा? इस अकाल का प्रभाव महेंद्रपुरी पर भी होने लगा। हमारा दाव उल्टा कैसे पड़ गया? हमारी योजना का एक ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा छोड़ा हुआ विस्तृत सांप हमें ही डसने लगा है। ये क्या हो रहा है? सत्य है, बुरे कर्म उस बाण के समान ही हैं। ये स्वयं पर ही लौटकर आघात प्रकट करते हैं। दूसरों के लिए विपत्तियों का कुआं खोदने वाले स्वयं उस कुएं में जा गिरते हैं। ये कैसी परिस्थिति बन गई है? धरती का रक्त सोखकर ये महेंद्रपुरी को मरुभूमि बना रहा। जल के अभाव में ये असुर एक दूसरे के रक्त के प्यासे हो गए। शीघ्र कुछ कीजिए। धरती के जल रत्न को व्यर्थ करने के पूर्व यदि उसके महत्व पर विचार न किया तो ऐसी दुर्दशा तो निश्चित ही है। आपने उचित कहा था। मां, विफल हो गई हमारी चाल। गजासुर द्वितीय हम पे ही भारी पड़ गया। न चाल विफल हुई है और ना गजासुर द्वितीय। जय मां चंडी, जय मां। अभी नहीं, अभी संकट टला नहीं है। गजासुर द्वितीय का अंत नहीं हुआ है। देखिए, अभी अकाल समाप्त नहीं हुआ, अर्थात वो जो इस अकाल का कारण है अभी जीवित है। श्रम तो बहुत किया है, थोड़ा विश्राम तो बनता है ना देवी। और कुछ क्षणों के लिए मैंने आंखें क्या मूंद ली, आपने तो मुझे मृत समझ लिया। देवी, इतना सरल नहीं है मेरा। ताप नहीं, शाप हूं मैं, सबका सर्वनाश मैं। माता कभी विफल नहीं हो सकती, उनसे कुछ भी छिपा नहीं है। किंतु इस दुष्ट की रहस्यमयी शक्ति की ओर कदाचित मुझे ही उनका ध्यान आकृष्ट करना होगा। देवी, सहस्त्र गजों के शक्ति के स्वामी गजासुर द्वितीय के समक्ष विफल हो गई तुम्हारी शक्ति, और अभी तो ये युद्ध का आरंभ मात्र है।
अंत तो धरती के अंत के साथ ही होगा। मूषक जी, जी प्रभु, उचित अवसर है। इस युद्ध का भाग बनने का उपाय सूझ गया मुझे। कैसे प्रभु? कोई भी युद्ध तभी सार्थक है जब उसमें जय और पराजय का निर्णय हो। युद्ध चलता रहे और कोई निर्णय ना हो तो ऐसे युद्ध का क्या लाभ? अच्छा गजमुख, उचित ही कहा तुमने। मैं इस देवी को विश्राम करने का पूर्ण अवसर दूंगा, इससे ये पुनः अपनी शक्ति एकत्रित कर सके और ये युद्ध अपने निर्णय की ओर बढ़ सके। विश्राम की आवश्यकता मुझे नहीं, तुम्हें है मूर्ख। नहीं, विश्राम की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। तो फिर आओ, मेरा वार स्वीकार करो। प्रभु, माँ क्रोध के कारण रुकने के लिए तैयार नहीं, और ये दुष्ट अपने अहंकार के कारण। अब तो आपको ही अपनी बुद्धि और युक्ति का प्रयोग करना होगा प्रभु। जब बड़े क्रोध में हो तो उन तक अपनी बात बड़ी सावधानी से पहुँचानी चाहिए। मुझे कुछ ऐसा कहना होगा जिससे माता क्रोध में भी मेरा संकेत समझ जाए और ये अहंकारी मेरी युक्ति ना समझ पाए। वीर और सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने शत्रु को अपनी शक्ति एकत्र करने के लिए विश्राम का भी अवसर देता है, और ऐसा वो ही योद्धा कर सकता है जिसे अपने बल और तप पर पूर्ण विश्वास हो, और इस अवस्था में वो वार नहीं करता अपितु अपने विरोधी योद्धा का युद्ध भूमि में पूर्ण शक्ति के साथ आने की प्रतीक्षा करता है। तभी योद्धा को अपनी जय का वास्तविक आनंद आता है। मैं तुम्हारा संकेत समझ गई पुत्र गणेश। यदि इस युद्ध विराम से तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण होता है तो यही सही। सत्य है, मेरी शक्ति का वास्तविक प्रयोग उसकी परीक्षा तभी होगी जब मैं इस देवी को उसकी पूर्ण शक्ति के साथ पराजित करूंगा। सोमनंदी जी, मूषक जी आइए, अब योजना का दूसरा भाग क्रियान्वित करें और इस असुर को उकसाएं कि वो मुझे भी युद्ध में सम्मिलित करे, क्योंकि माता तो इसकी अनुमति कदापि नहीं देंगी। ये गजमुख बालक मेरी ओर क्यों बढ़ता चला आ रहा है? मूषक जी, आप बस चुपचाप खड़े रहिएगा, कुछ बोलिएगा नहीं। क्या हुआ, तुम्हारी दृष्टि मुझ पर क्यों टिकी है? तुम तो परिचित लग रहे हो। ओहो, समझा, तुम तो गजासुर के पुत्र हो, वही असुर जो अपने आप को महासुर मानता था किंतु मेरे पिताश्री के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। बस, शिव पुत्र हो गए तुम, किंतु मुझसे नहीं बच सकोगे। प्रभु, ये तो क्रोध में आग बबूला हो रहा है। हाँ मूषक जी, यही तो चाहिए। बड़ी भयंकर मृत्यु हुई थी उनकी, मेरे पिताश्री के परम भक्त नंदी जी ने उधर चीर दिया था उनका। मेरा प्रतिशोध तो उससे भी भयंकर होगा। धरती का वक्ष चीर कर उसका संपूर्ण रक्त सोख लेगी मेरी शक्ति, और उसके बाद मैं तुम सबका अंत करूंगा। प्रभु, इसके बढ़ते क्रोध से तो मेरी प्यास और भी बढ़ रही है। आश्चर्य, मूषक जी के स्वेद की बूंद के स्पर्श से इतना विचलित हो गया है। तुम्हारा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं हो पाएगा गजासुर द्वितीय, किंतु तुम हो तो भाग्यशाली जो अभी तक जीवित हो, क्योंकि माता का हृदय तो माता का ही होता है। वो तो अपने शत्रु को भी अनेक अवसर देती हैं, उन पर दया करती हैं। किंतु यदि मैं तुम्हारे साथ युद्ध कर रहा होता तो अब तक तुम काल के गाल में समा गए होते। अच्छा,
इतना विश्वास है स्वयं पर, तो तुम भी मुझसे क्यों नहीं युद्ध कर लेते? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अवश्य करता युद्ध, किंतु बस माता की अनुमति चाहिए, क्योंकि आप अकेले हम दो से युद्ध करें और हम आप पर भारी पड़ जाए, ये तो उचित नहीं होगा ना? हाँ, मेरी भुजाएं भी युद्ध के लिए बड़बड़ा रही हैं। अब और विश्राम नहीं, मैं तुम दोनों माता और पुत्र को एक साथ युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। देवी, दे दो अपने पुत्र को अनुमति, मैं भी तो देखूं ये केवल बातें करता है या युद्ध भी। मूर्ख असुर, तेरे लिए तो मैं अकेली ही पर्याप्त। चलो युद्ध आरंभ करो। भयभीत हो गई ना कि कहीं तुम्हारा ये पुत्र मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। मेरी तपोशक्ति और बल के आगे माँ की ममता जा गई। कदाचित तुम्हारी यही इच्छा कि तुम्हारा अंत हम दोनों के हाथों से हो, तो उचित यही होगा। मेरी भुजाएं भी युद्ध के लिए बड़बड़ा रही हैं। अब और विश्राम नहीं, मैं तुम दोनों माता और पुत्र को एक साथ युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। आज से संसार माँ और पुत्र के एक नए रूप से परिचित होगा, उनके कलोचंडी विनायकों रूप से। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा माता और पुत्र को एक साथ पराजित करने में। तुम्हारा कोई प्रहार सफल नहीं होगा। माता रुकिए, मुझे आक्रमण करने दीजिए। कौन सी शक्ति इसका कवच बन रही है जिसके कारण हमारे शस्त्र इसे आहत करना तो दूर
इसका स्पर्श भी नहीं कर पा रहे हैं। देखा, तुमसे सुरक्षित रहने के लिए मुझे अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं। शस्त्र खड़ा हूं मैं, हाँ? मुझ पर वार करो। मैं भी तो देखूं, क्या तुम दोनों मुझे लेश मात्र भी पीड़ा पहुंचा सकते हो या नहीं। क्या हुआ, पुनः विश्राम की आवश्यकता है या पराजय स्वीकार कर ली? माता, पीड़ा से स्मरण हुआ, जब मूषक जी के स्वेद की एक बूंद इसके तन पर गिरी थी तो इसकी त्वचा भस्म हो उठी थी, इसलिए जो इसने सृष्टि से छीना है वही जल इसे दुर्बल बनाता है। मैं इसके अंत के लिए पृथ्वी के गर्भ से जल निकाल सकता हूँ, किंतु ये तब तक संभव नहीं जब तक ये दुष्ट हमारे निकट है। क्यों विचार करने में समय व्यर्थ कर रहे? मुझे पराजित करने का कोई उपाय नहीं। कहीं तुम्हारे विचार करते करते ये धरती अकाल से कंकाल में ना बदल जाए। ताप नहीं, श्राप हूं मैं, सबका विनाश हूं मैं, विनाश हूं मैं। बहुत गंभीर होती जा रही है, संपूर्ण धरती और उसके वासी अब कष्ट में है पुत्र। हमारे पास अब अधिक समय शेष नहीं है पुत्र, तुम्हारा उपाय उत्तम, तुम अपना कार्य करो पुत्र, मैं तब तक इसे तुमसे दूर रखती हूं। अमर हूं मैं, मेरे तपोबल की शक्ति और असुर गुरु शुक्राचार्य के आशीर्वाद ने मुझे अमर बना दिया, इसीलिए मेरे अंत का स्वप्न देखना छोड़ और अपनी पराजय स्वीकार कर चली जाओ, अभी भी समय है। असुर गुरु शुक्राचार्य, उन्हें तो मैंने इस असुर के साथ देखा था, वो इसे कुछ दे रहे थे। मुझे किसी प्रकार ये बात गजानन तक पहुंचानी होगी। हमारे अस्त्रों से तुम अवश्य ही सुरक्षित, किंतु तुम्हारे अस्त्र तो तुम्हें आघात दे ही सकते हैं। ये तो गजासुर द्वितीय की चित्कार थी। हाँ, उसके चित्कार के साथ महेंद्रपुरी के असुरों के चित्कार भी बढ़ती जा रही है। यदि वो असफल हुआ तो महेंद्रपुरी के प्रत्येक घर से रोने की ध्वनि सुनाई देगी। किंतु तुम्हारी माँ माया सुरा से उसे असफल नहीं होने देगी। मैं इस दुष्ट असुर को कदापि सफल नहीं होने दूंगा। सफल तो माता और माता पार्वती नंदन ही होंगे, किंतु मुझे उन तक पहुंचना होगा, उन्हें बताना होगा कि इस दुष्ट की भेंट असुर गुरु शुक्राचार्य से हुई थी
और गुरु शुक्राचार्य ने उस गजासुर द्वितीय को कुछ दिया भी था। माँ और गणेश इस संकट को टालने का जो भी उपाय कर रहे हैं उसमें उन्हें शीघ्रता करनी होगी। शीघ्र ही कुछ करो गणेश, कुछ करो माँ। माता, मैं शीघ्र अति शीघ्र जल निकालने का उपाय करता हूँ। स्वयं को रोक क्यों नहीं पा रहा। और ये कैसी परछाई मेरा पीछे कर रही है। प्रभु, जल मिला आपको? बताइए ना, मिला क्या? नहीं। कठिनाई कितनी भी हो किंतु मुझे गणेश जी तक पहुंचना ही होगा। एक बूंद भी नहीं है। कदाचित गजासुर के कारण जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है। मुझे अपनी सूंड और गहराई में ले जानी होगी। अपना संतुलन लौटाने में सफल हुआ मैं। कदाचित भूल हुई मुझसे, मैंने तुम्हें जो अवसर दिया तुम कदाचित उसके योग्य ही नहीं। मेरी योग्यता पर संदेह करना आपकी भूल है। तो प्रमाणित करो अपनी योग्यता को। विनाश करो उन देवताओं का, मेरी महेंद्रपुरी का नहीं। अब मैं इन देवताओं को कोई असर नहीं दूंगा। क्या हुआ मां, कैसी दशा है उसकी? कुशल है, और इस कुशलता का आभास मुझे तब होगा जब वो इस कार्य को संपन्न करेगा जिसके लिए हमने उसे बुलाया था। माता, ऋषि पुलस, ऋषिवर आप तनिक भी चिंता मत कीजिए। नहीं गणेश जी, कदाचित ये संभव नहीं है क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने गजासुर द्वितीय को कुछ दिया था। सावधान देवी, सावधान, गजासुर द्वितीय आ रहा है तुम्हें दंड देने के लिए, तुम दोनों का नाश करने के लिए। माता, ऋषिवर का अनुमान उचित है। असुर गुरु शुक्राचार्य ने उस दुष्ट को कुछ ऐसा अवश्य दिया है जिससे उसकी शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। तभी तो यहाँ से दूर होने पर भी उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। तब तो हमें उसकी सुरक्षा के उस आधार को भी ढूंढना होगा। इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वो मुझसे छुपा हुआ नहीं है।
क्योंकि ये सृष्टि और कोई नहीं, स्वयं मैं ही सृष्टि हूं। धरती के अत्यंत निकट हूं मैं, और अपनी विजय के भी। ऐसा विध्वंस था जिसने महेंद्रपुरी को भी कंपित कर दिया। कैसे संभव? उन्होंने मेरा महास्त्र कैसे ढूंढ लिया? इसे धरती से बाहर कैसे निकाल लिया? यही था ना वो महाअस्त्र दुष्ट, जिस पर तुम्हें अहंकार था, जिसके कारण तुम सुरक्षित थे। तो लो, स्वयं इसे नष्ट होते देखो। महाअस्त्र की ये विशेषता, इसको क्रियान्वित करने के बाद इसे तभी रोका जा सकता है जब कोई इसे नष्ट कर दे। महाअस्त्र नष्ट हुआ मेरा, मैं अभी भी जीवित, और मेरा तप ही मेरा अस्त्र बनेगा। तुमने मेरा अस्त्र खंडित किया, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा देवी। मूषक जी, जब तक मैं जल ढूंढता हूँ, आप उस असुर को रोकिए। मैं कैसे प्रभु? क्यों क्यों नहीं, अब तो उसका महास्त्र नष्ट हो गया है, तो आप अकेले ही पर्याप्त हैं उसके लिए। क्यों, अनेकों बार मुझे युद्ध में विजय तो दिला चुके हैं ना आप। उचित कहा प्रभु आपने, मेरे अपार उत्साह और साहस के आगे ये दुष्ट गजासुर द्वितीय कदापि नहीं टिक सकेगा। ए तो चुमुचक, हट जाओ मेरे सामने से। तू तो क्या, ना तेरी देवी ना तेरा वो स्वामी मुझे रोक पाएगा। इस प्रकार उन्होंने मेरा अस्त्र नष्ट किया है, मैं उनकी सृष्टि नष्ट कर दूंगा। पहले मेरा सामना तो कर लो। मैं किसी तुच्छ कीट का सामना नहीं करता, इसे वसल के रख देता। ताप नहीं, श्राप हूँ मैं। ताप हो या श्राप, मूषक से जो टकराता है चूर चूर हो जाता है। उतंड मूषक, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जा। अब तुम पर मृत्यु का वार होगा। हाँ।
वो दंड मूषक तुम्हें ज्ञात नहीं, ताप नहीं, जाप हूं मैं, सबको सर्वनाश हूं मैं। दैत्य जी, आपका भी बाप हूं मैं। कहीं तो जल मिलेगा मुझे। मूषक, आज तुम कुचले जाओगे। ऐसे घूमो मत मूषक, साहस है तो स्थिर रहकर दिखाओ। लो, रुक गया मैं, स्थिर हो गया। प्रभु, अब मैं इसे और नहीं छका सकता, थक गया मैं। कुछ तो कहिए, जल मिला आपको? थक गए, आप कैसे भागोगे? मिल गया, जल मिल गया। अब मेरी सुरक्षा हो गई। संभव, ये जल कहां से मिल गया इन्हें? और इसका बहाव मेरी ओर क्यों आ रहा है? इन्हें ये रहस्य कैसे ज्ञात हुआ कि जल से आहत हो सकता हूं मैं? प्यास बुझाते हैं। ये क्या? हमें अकाल से मुक्ति मिल गई। इसका अर्थ क्या? हाँ पुत्र, इसका अर्थ है कि गजासुर द्वितीय पराजित हो गया। जब प्रकृति पुनः एक बार अपने वास्तविक रंग रूप में खिलखिलाने लगी तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि सब कुछ सामान्य है। और इसका एक अर्थ ये भी है कि माँ और गणेश सफल हो गए हैं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है, और तुम्हारी प्रगति माँ की शरण में ही जाकर होगी। यदि तुम्हें ये स्वीकार नहीं तो तुम्हारे तप की शक्ति भी तुम्हें जीवित नहीं रख सकेगी। क्यों? क्यों नहीं? इतना कठोर तप किया है मैंने तो उसकी शक्ति मेरी रक्षा क्यों नहीं करेगी? मेरे तप और इसी के तप में भला क्या भेद है जो आप इसकी पुकार सुनकर मेरा वध करने चली आई? यहां असुरों का तप तप नहीं होता, फिर हमें उसका उचित फल क्यों नहीं मिलता? न्याय और धर्म के पालक है ना आप,
तो कहाँ है आपका न्याय? कहाँ है आपका धर्म जो मेरे तप का फल देने में इतना संकोच कर रहा है, जबकि मुझे अभी इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। ये कैसा न्याय है? ये कैसा धर्म है आपका? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देकर मैं तुम्हें धर्म और अधर्म का भेद अवश्य समझाऊंगी गजासुर द्वितीय, किंतु ज्ञान को आत्मसात करने के पूर्व उसको पाने वाले को अपने मन को शांत करना आवश्यक होता है। अपने चित्त को शांत और स्थिर कर अपना आसन ग्रहण करो। किंतु मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें तुम्हारे तप के फल स्वरूप वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है जिसे तुम पाना चाहते थे। ज्ञान चाहिए मुझे? नहीं भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ आएगा जब तुम्हारे ज्ञान की भूख मिटेगी, किंतु उसके पूर्व अपने पेट की भूख मिटाओ। आओ भोजन करो। संकोच मत करो, अपना आसन ग्रहण करो और भोजन करो। संकोच तो आप कर रही हैं भोजन देने, ये तो रिक्त। तुम्हारे तप और कर्मों से अर्जित भोजन तो तुम्हारी पोटलियों में है, उसे निकालो और खा लो। ये पोटली मेरे पास कैसे आ गई? रविचंद्र वहिन। इसमें तो कुछ भी नहीं है माता। मेरी पोटली में 3 पूरियां हैं। मुझे सर्वाधिक मिली है 5। साथ में भोजन करने बैठे हो तो किसी का पात्र भोजन से रिक्त ना हो। इस धर्म का पालन तो असुर भी करते हैं। इसमें कैसा धर्म? धर्म ये तो अपना अपना भाग्य है। इसके भाग्य में भोजन नहीं तो इसमें मेरा क्या दोष? धर्मोचित तो ये है कि यदि किसी के पास भोजन ना हो तो उससे भोजन बांट लो। नहीं, धर्मोचित हो या ना हो, मैं अपना भोजन नहीं बांटूंगा। इस युद्ध में मैंने बहुत श्रम किया है, मुझे भूख लगी है, मैं खाऊंगा। गजासुर द्वितीय, यदि तुम ये समझना चाहते हो कि इतने तप के बाद भी धर्म के अनुसार तुम मृत्यु के भागी क्यों बने, तो सर्वप्रथम अपना भोजन बांटने का धर्म निभाओ। मन तो नहीं कर रहा किंतु समझना भी चाहता, उचित है बांट लेता हूं अपना भोजन। किंतु 8 पूरियों को 3 भाग में कैसे बांटेंगे? प्रत्येक पूरी को 3 भागों में बांट ले तो हमारे पास 24 भाग होंगे और सभी को 8-8 भाग मिल जाएंगे। देखा, यदि इच्छा हो तो समाधान मिल ही जाता है। अब विलंब मत करो और बांट लो अपनी पूरियों को। अब आप तीनों 8-8 भाग लेकर भोजन करो। गजासुर द्वितीय,
संकोच मत करो, जाओ। जब तुम्हारा पेट भरा है, तुम निश्चिंत हो, तो तुम ये समझ सकोगे कि धर्म किस प्रकार न्याय करता है। मुझे तो लग रहा है आप उलझा रही हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऋषि पुलस्य, इन दोनों ने आपके साथ अपना भोजन बांटा, तो क्या आप इन्हें कुछ नहीं देंगे? किंतु मैं क्या दूं माता, मेरी पोटली तो बिल्कुल रिक्त है। ये देखिए, दिव्य स्वर्ण मुद्राएं ये लीजिए, आप दोनों आपस में समान रूप से बांट लीजिए। नहीं, समान क्यों? मैंने अधिक पूरियां दी हैं, तो इन स्वर्ण मुद्राओं में मेरा भाग भी अधिक ही होगा। यही धर्म है, जितनी पूरी उतनी मुद्राएं। संख्या से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। मैंने भी आपके समान अपना भोजन बांटा है गजासुर द्वितीय जी, तो इन स्वर्ण मुद्राओं का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि हम दोनों को समान भाग मिले। चार मुद्राएं आपकी और चार मेरी हो। ओहो, तो एक और छलावा तुम देवताओं का। अधिक पूरियां मैंने दी थी, तो अधिक स्वर्ण मुद्राएं मेरी हुई। यही धर्म है। चलिए, ना मेरी रही ना आपकी, इस विवाद का निर्णय माता पर छोड़ देते हैं। अब आप ही बताइए माता, किसको कितना भाग मिलना चाहिए? गजासुर द्वितीय को सात और गणेश को मात्र एक स्वर्ण मुद्रा मिलनी चाहिए। किंतु माता, ये आपका कैसा निर्णय है? जगत के कल्याणार्थ अपने सीमित साधनों में से भी जो व्यक्ति दान देता है, वही सच्चे अर्थों में जगत से कुछ प्राप्त करने का अधिकारी होता है।